नमस्कार, मैं ऋतु कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ ऐसा ही हुआ भागलपुर में। भागलपुर के इस अजीबोगरीब मामले को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ 9 महीने पहले BPSC के माध्यम से चयनित हुई शिक्षिका को नीतीश सरकार की तरफ से जिम्मेदारी मिली थी कि वो अपने स्कूल के बच्चों को ज्ञान के सागर में गोते लगवाए, लेकिन वो खुद ही इसके नदी में तैरने लगी। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहा जाता है कि जब किसी को इश्क हो जाता है तब उसे सारी दुनिया हसीन लगने लगती है। इश्क में इंसान सिर्फ अपना दिल ही नहीं अपना दिमाग भी हार बैठता है। ऐसा ही हुआ है भागलपुर के कहलगांव में। अंजलि 9 महीने पहले BPSC से शिक्षक नियुक्त हुई। कहलगांव उत्तमकृत उच्च विद्यालय सौर कहलगांव में उसकी पोस्टिंग हुई। इस दौरान उसकी आंखें चार हो गई चंद्रशेखर यादव से। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अंजलि प्यार के सागर में गोते लगाने लगी। 9 माह पहले बनी BPSC टीचर अंजलि स्कूल में पढ़ाने के दौरान इसकी ही पढ़ाई पढ़ने लगी। अब चंद्रशेखर के बिना उसका जीना दुभर हो गया और एक दिन बाबुल का साथ छोड़कर अंजलि जो है अपने प्रेमी के साथ चली गई। भागलपुर जिला के कहलगांव उत्तमकृत उच्च विद्यालय सौर कहलगांव में कार्यरत एक शिक्षक चंद्रशेखर यादव उसी विद्यालय की एक शिक्षिका अंजलि को लेकर फरार हो गया। शिक्षिका के पिता ने कहलगांव थाने में आवेदन दिया है। नालंदा जिला के शिवपुरी रामचंद्रपुर के कपिलदेव प्रसाद की पुत्री अंजलि कुमारी BPSC से शिक्षिका पद पर चयनित हुई थी और 9 माह से सौर स्कूल में पदस्थापित थी। कहलगांव पूरब टोला में डेरा लेकर माँ एवं अन्य के साथ रहती थी। प्रतिदिन स्कूल में जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। 2 सितंबर को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। पता चला कि उसी विद्यालय के शिक्षक परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया के चंद्रशेखर यादव शादी के नीयत से उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। इस घटना से सौर के ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। हालांकि अभी तक दोनों का पता नहीं चला है। इस घटना के बाद से स्कूल के शिक्षक समेत बच्चे भी हैरान हैं। वहीं ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल भले ही गांव में इसको लेकर आक्रोश हो, लेकिन कहते हैं ना, प्यार और इश्क में सब जायज है। जब इश्क बेहद और बेपनाह हो तो अंजाम कहाँ अंजलि और चंद्रशेखर जैसे लोग देखते हैं। तो आपने सुना कि कैसे भागलपुर में एक शिक्षिका को जिम्मेदारी मिली थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, लेकिन वो खुद ही इस स्कूल में पढ़ाने के दौरान इश्क की पाठशाला में पढ़ने लगी और अपने ही साथी शिक्षक चंद्रशेखर यादव के साथ कहीं चली गई है। हालांकि उनके परिजनों की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि अभी जांच की जा रही है। जो भी अपडेट होगा आगे दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।